IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, ये हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट अलोंग ग्रेट सर्कल रूट। ओके, ये अगर हमारे पास एक ग्रेट सर्कल ये है, एक ग्रेट सर्कल ये है, तो इन ग्रेट सर्कल पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव और है कि टाइम कंसेप्ट क्या होता है, जो भी हमारे टाइम चलता है वो बना कैसे, ठीक है, वो किस कंसेप्ट के पीछे काम करता है जो हमारा टाइम चलता है। ठीक है, दोनों हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। तो देखो यहाँ पर आपके पास एक ग्रेट सर्कल ये दिखा रखा है, एक ग्रेट सर्कल ये दिखा रखा है। हमने एक पॉइंट मान लिया ए पॉइंट ये है और एक अलग कोई पॉइंट मान लिया इस ग्रेट सर्कल पर बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल पी। ठीक है, मान लिया हमने, तो हमारे पास यही ऑब्जेक्टिव है कि स्मॉल पी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए देखो आप फॉर्मूला याद रखने सीधे, ए क्या होता है, कोल लेटिट्यूड ऑफ बी, स्मॉल ए क्या है, देखो यहाँ पर ये स्मॉल ए क्या है, ये स्मॉल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कोल लेटिट्यूड ऑफ बी, कोई भी बी पॉइंट है उसका कोल लेटिट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल बी, ये क्या है, कोल लेटिट्यूड ऑफ इस ए, ये ए पॉइंट है। ओके, और ये बीच में ये कैपिटल पी है, दोनों के बीच का एंगल, ये डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये कैपिटल पी डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, कैपिटल पी, और जो स्मॉल पी है ये स्मॉल पी क्या है हमारे पास, ये हमारा आर क्या है, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब आप उसी के फॉर्मूले याद रख, ठीक है, अब आपको सीधा यहाँ से क्या याद रखना है, कोस ऑफ जो हमारी डिस्टेंस है पी वो क्या होती है, कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी, ए क्या है, बी क्या है, पी क्या है, सब पता है आपको। ठीक है, प्लस साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी, साइन ऑफ कैपिटल पी। ओके, अब उसके बाद में हमारा जो ये कैप स्मॉल पी है, देखो ये स्मॉल पी, ये स्मॉल पी यहाँ से जो फाइंड आउट होगा, तो ये आपका ये स्मॉल पी है। ओके, यहाँ पर गलत लिख रहा है, तो यहाँ से ये स्मॉल पी फाइंड आउट होगा आपको, वो सीधा आपको उठा के यहाँ रखना है आपका एंगल में। ओके, तो वहाँ से आपके पास आर्क फाइंड आउट हो जाएगी ए बी की, ये देखो ए बी आर्क है। ओके, ये डिस्टेंस है, ये पी यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है लेकिन आर्क है ये, तो यहाँ से हमारे पास सीधे डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। ओके, और अगर आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बोले, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूले हैं, टेन ऑफ ए प्लस बी, ए क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी क्या है, ये हमें फाइंड आउट करने होंगे। ओके, यही तो एंगल्स है, इज इक्वल्स टू कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस डिवाइडेड बाई कोस ऑफ ए प्लस बी बाई टू कोट ऑफ पी बाई टू। ओके, यही हमारा ये है, बस कोस की जगह अगर माइनस लगा दोगे तो यहाँ कोस की जगह यहाँ पर साइन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखो ये रहा, पढ़ने क्या हो रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी, ए और बी कोई पॉइंट है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, गिवन दैट द लेटीट्यूड ऑफ ए का लेटीट्यूड दे रखा है आपको 15 डिग्री, और बी का लेटीट्यूड कितना दे रखा है, 12 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, एंड देयर लॉन्गिट्यूड आर दिस, ए का लॉन्गिट्यूड क्या दे रखा है, 50 डिग्री 12 मिनट, और बी का लॉन्गिट्यूड क्या दे रखा है, 54 डिग्री ईस्ट। ओके, अब यहाँ से देखो, एक तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और एक चीज़ और बोल रखा है क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड द मैक्स डायरेक्शन अलोंग ग्रेट सर्कल। ठीक है, और आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो आपको थीटा ए, थीटा बी, फाई ए, फाई बी दे रखा है, ये आप क्या है, लेटीट्यूड है। ओके, ये लेटीट्यूड है आपका, और ये क्या है, लेटीट्यूड दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, लॉन्गिट्यूड। ओके, तो आप ये निकाल लो इनके, स्मॉल ए स्मॉल बी कहते हैं को लेटीट्यूड, तो 90 में से माइनस कर दोगे आपका, स्मॉल ए कौन सा था, बी वाला था स्मॉल ए। ठीक है, तो ये माइनस करना पड़ेगा आपको, तो स्मॉल ए आ जाएगा, स्मॉल बी आएगा, स्मॉल बी निकालना है आपको, तो ए साइड में था, क्योंकि हमारा इस साइड ही तो था, वो हमने अभी जो डेरिवेशन किया था, देखो यहाँ दिखा देता हूँ आपको,
लिख लिया करो उससे। देखो इसमें ए ये है, ये आप हमारे बी पॉइंट के लिए था डेरिवेशन के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, और ये ए पॉइंट के लिए था स्मॉल बी, उल्टा सीधा लिख रखा है इधर ठीक है, तो इसके हिसाब से चलेंगे हम। तो आप यहाँ से ये निकालोगे और इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या जाएगा, कैपिटल पी डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इन दोनों लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस निकालोगे तो कैपिटल पी आ जाएगा। बस अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगाना है, इससे आपके पास स्मॉल पी का एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके तो ये आपके पास आ गया, सारी वैल्यू दे रखी है यहाँ, पुट कर देना उठा उठा के। ओके ये आपके पास आ गया स्मॉल पी, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर ही लोगे आप। ओके ठीक है यहाँ तक कर लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है आर्क का ए बी का ठीक है, ए बी ये आर की ठीक है एंगल नहीं, आर कैसे फाइंड आउट करोगे, टू पाई आर, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 360, और ये मैंने बोला था ये उठा के आपको सीधा यहाँ रखना है, इसका आप कैलकुलेट करो आपके पास ये सीधे डिस्टेंस आ जाएगी, और यही हमारा आंसर है ठीक है, बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि आप और क्या फाइंड आउट करो, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए भी आपको ये फॉर्मूला बता रखा है, टेन ए प्लस बी हो तो कोस आएगा, कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू कोट ऑफ दिस। ओके और अगर ए माइनस बी है तो आपके पास ये साइन आएगा यहाँ पर ठीक है, फॉर्मूला भी बता रखा था ऊपर, इससे आपका ए प्लस बी आ गया ये, इससे आ गया ए माइनस बी ये, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट ए एंड बी। ओके ए और बी फाइंड आउट हो जाएगा, तो आपको ए और बी से पता लग जाएगा कि ए इस किस एंगल पर है और बी किस एंगल पर है हमारा। ओके ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। ओके ये कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कन्वेंशनली ज़्यादातर कन्वेंशनली क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ओके ऑब्जेक्टिव में तो इनके बीच से पूछता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो साथ साथ में, आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। ओके केवल एक अगर लेक्चर्स देखने से ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे साथ साथ में। अगला है हमारे पास टाइम कंसेप्ट, टाइम कंसेप्ट क्या होता है इसकी स्टडी कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है टाइम कंसेप्ट। टाइम क्या होता है, चेंज इन आवर एंगल, जो भी हमारा आवर एंगल था कोई फिक्स्ड स्टार का, टाइम किसके हिसाब से चलता है, कोई फिक्स्ड स्टार है ठीक है, वहाँ से हमारे आवर एंगल के अंदर चेंज विद रेस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ अर्थ इज नोन एज टाइम। ये हमारा टाइम होता है कि हमारा एक फिक्स्ड स्टार है उसको हमने मान रखा है कुछ ठीक है, वहाँ से हमारा आवर एंगल है वो हमारे अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है और वही हमारा टाइम होता है। ओके उसके बाद में आता है सोलर टाइम, सोलर टाइम क्या होता है, चेंज इन आवर एंगल ऑफ सन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अगर सन के आवर एंगल में चेंज होता रहेगा तो हमारा सोलर टाइम हो गया, विद रेस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ अर्थ। अपेरेंट सोलर टाइम क्या होता है, टाइम मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्चुअल सन्स मोमेंट, जो हमारा इक्लिप्टिक था, इक्लिप्टिक क्या होता है, जो भी आपका ये ऑब्जर्वर मेरिडियन है उसके ऊपर आपका सन इस तरीके से मूवमेंट करेगा ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी इक्लिप्टिक थी, पढ़ा था हमने शायद फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, शायद सेकेंड में पढ़ा था ठीक है, तो जो एक्चुअल मूवमेंट है वो हमारा अपेरेंट सोलर टाइम होता है, टाइम होता है मेजर्ड एक्चुअल सन मूवमेंट है उसके रेस्पेक्ट में जो भी टाइम होगा वो हमारा अपेरेंट सोलर टाइम होता है। अब बात आती है मीन सोलर टाइम की, ये क्या होता है कि आपको पता है कि जो 360 डिग्री है वो कभी भी 24 आवर के एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। ओके हैंस समझ गए, ये फिक्सेशन सन हम अज्यूम करते हैं ठीक है, जो क्या करता है वो हमारा 360 डिग्री इस तरीके से घूमता है, रेट कांस्टेंट रेट से घूमता है कि हमारा 360 डिग्री 24 आवर के बराबर हो जाता है। ओके द टाइम करस्पॉन्डिंग टू दिस फिक्सेशन सन, इस इमेजनरी सन के अकॉर्डिंग जो टाइम रहेगा वो हमारा मीन सोलर टाइम रहता है। ओके ये डेफिनेशन से आप पढ़ लेना इनको ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ पूरे प्रश्न के बारे में। इक्वेशन ऑफ टाइम क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ये अपेरेंट सोलर टाइम एंड मीन सोलर टाइम दोनों का डिफरेंस इक्वेशन ऑफ टाइम होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, देखो इन वन कंट्री, एक कंट्री में एवरी वन हैज़ टू फॉलो वन टाइम विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री, एक हमारा जो कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके अबाउट हर एक कंट्री में अलग, जैसे इंडिया में अलग टाइम चलता है ठीक है, यूएसए में अलग टाइम चलेगा और कहीं अलग टाइम चलेगा, अलग टाइम चलेगा, तो एक कंट्री में हर एक पर्सन एक ही स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, इन इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू इलाहाबाद विच हैज़ लॉन्गिट्यूड
जो इलाहाबाद से पास करता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, और उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, फिक्स है ये, ठीक है, ध्यान रख लेना, या फिर क्वेश्चन में देगा ही 82° 30' ईस्ट एंड टाइम ऑफ इलाहाबाद इज कंसिडर्ड टाइम ऑफ एंटायर कंट्री, और जो इलाहाबाद का टाइम है वही एंटायर कंट्री इंडिया के अंदर हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है हमारे पास लोकल मीन टाइम, LMT। लोकल मीन टाइम क्या होता है कि हर एक जगह पर उसी के करस्पोंड, उसके जो लॉन्गिट्यूड है उसके करस्पोंडिंग ही टाइम पता करना, वो हमारा लोकल मीन टाइम होता है। मतलब अगर आप कहीं आपका जो कॉलोनी है जहां आप रहते हो उसके हिसाब से आप अगर आपका टाइम मेजर करोगे तो हमारा लोकल मीन टाइम होता है, ना कि इलाहाबाद की करस्पोंडिंग। देखो, टाइम एट एनी प्लेस करस्पोंडिंग टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर आप टाइम मेजर करोगे इज़ नोन एज मीन टाइम। ओके, लोकल मीन टाइम। अब लोकल मीन टाइम आप फाइंड आउट कैसे करोगे, तो सीधा सीधा आपके पास ये फॉर्मूला है, लोकल मीन टाइम कैसे करोगे, स्टैंडर्ड जो टाइम है उसके अंदर से आप आपका लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस माइनस कर दो, ठीक है, या फिर प्लस कर दो। प्लस कब करोगे, जब आप ईस्ट साइड में हो, और नेगेटिव कब करोगे, जब आप वेस्ट साइड में हो, ठीक है। अब ये देखो कंसेप्ट सीधे सीधे समझ नहीं आता है, इस पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप ये ध्यान रखना, 360 मतलब 24 आवर, 1 degree मतलब 1/15 आवर, 1 minute मतलब 1/15 minute, ओके, और 1 second इज इक्वल्स टू 1/15 second, मतलब एंगल के फॉर्म में तो ये रहते हैं और टाइम के फॉर्म में ये रहेगा, आप ध्यान रखना इनका, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन देख लो, इससे क्लियर हो जाएगा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज दिस, ठीक है, ये होता है ईस्ट, ओके। लोकल मीन टाइम फाइंड आउट करना है टू फॉलो प्लेसेस करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड टाइम, और आप ये स्टैंडर्ड टाइम दे रखा आपको 18 hours 35 minutes and 10 seconds, ठीक है। तो आपका एक प्लेस ये है 110 degree ईस्ट और एक ये है 30 degree वेस्ट, ओके, ये लॉन्गिट्यूड दे रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग, दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको लोकल मीन टाइम फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो आपको यहाँ से और यहाँ तक, तो ये तो आपका 82 degree 30 minute ईस्ट हो गया, ओके, ये तो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है, लेकिन ये देखो 110 degree ईस्ट और ज़्यादा दे रखा है हमें, इस प्लेस का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आओ आप 110 degree तक दे रखा है, ओके। तो पहले तो हम क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंस निकाल लो दोनों के बीच का, तो 110 माइनस ये माइनस कर दो, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब ये एंगल में आया है और हमें टाइम में फाइंड आउट करना है, तो इसको आप पहले टाइम में चेंज कर लो, तो देखो ये डिग्री है, इसको 1/15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टाइम में आ गया, डिग्री को टाइम में कन्वर्ट करोगे तो, और मिनट को कन्वर्ट करोगे तो 1/15 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया, टोटल कितना हो गया हमारे पास 1 hour 50 minute। हमें बोला था अगर ईस्ट हो तो आपको ऐड करना है, देखो यहाँ बोल रखा है, देखो ये रहा ईस्ट हो तो आपको ऐड करना है टाइम डिफरेंस को, और वेस्ट हो तो माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ ईस्ट है तो आपको जो ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, दिस एंड प्लस जो आपका डिफरेंस निकला 1 hour 50 minute, उनको दोनों को ऐड कर दो तो आपको किया जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से ये है, लेकिन देखो इसके अंदर आपको वेस्ट साइड दे रखा 30 degree वेस्ट, तो इसको यहाँ से GMT से यहाँ 30 degree इस साइड रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, ऐड हो जाएगा डिफरेंस हमारा, डिफरेंस ऐड हो गया, इसको वापस आप चेंज करना, और चेंज करके यहाँ पर माइनस करना आप, क्यों माइनस क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट 30 degree वेस्ट दे रखा है यहाँ पर, ओके, तो वेस्ट करना है तो आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट हो गया, ओके। एस्ट्रोनॉमी अच्छा टॉपिक है, इसको 2-5 बार देखोगे जब जाके अच्छे से समझ आएगा ये, ठीक है। फर्स्ट बार में समझ में नहीं आता है आपको, ये सर्कल वगैरह अच्छे से समझ नहीं आएंगे पहली बार में, लेकिन आप इनको बार बार देखोगे तो आप जितना ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, आपके लिए बेनिफिशियल है। अब हमारे पास दो चीज़ें बच गई, इसमें दो टॉपिक बच गई, दो चैप्टर, ठीक है। एक तो हमारे पास प्लेन टेबल सर्वेइंग हमने नहीं किया ना, ठीक है, तो उसको बताऊंगा, एक तो वो रह गया पीछे प्लेन टेबल सर्वेइंग, और हमारे पास एक रह गया GIS रडार वगैरह, ठीक है, रिमोट सेंसिंग वगैरह। तो इस लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर को वापस देखो, इस चैप्टर को वापस से देखो कंप्लीट को, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ इनको समझने की कोशिश करो, इमेजिन करो। थैंक यू।